केंद्र सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में विद्युत कंपनी की घाटे एवं उपभोक्ताओं को सुविधाओं के नाम पर औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके विरोध में 3 फरवरी को देश भर में कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस बारे में घोषणा की गई है। विद्युत यूनियनों का कहना है कि यह एक तरफा निर्णय है, इससे निश्चित ही आम उपभोक्ताओं, किसानों एवं विद्युत क्षेत्र के कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में होगा। विद्युत सुधार अधिनियम 2021 को लेकर संपूर्ण देश में रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के बैनर तले संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी कल 3 फरवरी को केंद्र शासन की इस निजीकरण नीति के विरोध के लिए प्रतिकार स्वरूप पूर्ण रूप से कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। विद्युत कर्मचारियों की मांग है कि विद्युत सुधार बिल 2021 वापस लिया जाए, विद्युत कंपनियों का निजीकरण वापस लिया जाए, प्राइवेट लाइसेंसी एवं फ्रेंचाइजी समाप्त की जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही अन्य मांगे प्रमुख रूप से रखी गई है। आपको बता दें कि अति आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा।